हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल जैसे इंस्पायर वॉरियर्स। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ओके? मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सिस क्या होते हैं। रिसोर्सिस की मैंने आपकी दो प्रॉब्लम डिस्कस की थी, क्या? एक तो स्कैस्टी, दूसरा रिसोर्सिस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, ओके? और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से हमारा इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट मैटर अराइज हुआ था, ओके? फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो हम दो लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो, ओके? तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इकोनॉमी क्या होती है। हम लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस ही नहीं समझते हैं। हमको क्या लगता है कि जो इकोनॉमी है वही इकोनॉमिक्स है, और हम इन दो टर्म्स को इंटरचेंजबली यूज़ करते हैं, हालांकि ये दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स होती हैं, ओके? तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, ओके? एक सिस्टम है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। अब वो पर्टिकुलर एरिया कोई विलेज भी हो सकता है, ओके? कोई सिटी हो सकती है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई स्टेट और कोई कंट्री भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन इकोनॉमी, ओके? देन अगर हम स्टेट की बात करें, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके? किसी भी लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया का एक सिस्टम है जो कि क्या बताता है, रिवील करता है, ओके? नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो होती हैं प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, कंजप्शन, ओके? कंज्यूम करना, देन इन्वेस्टमेंट, देन एक्सचेंज। अगर आप कभी नज़र घुमाओ, आप किसी भी सिटी, विलेज, टाउन या स्टेट या कंट्री की बात करो और नज़र घुमाओ, तो इकोनॉमी में कौन सी एक्टिविटीज़ चलती हैं? हम जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है, जो हम कंज्यूमर हैं वो कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट जो है या जो प्रोड्यूसर हैं बड़ी बड़ी फर्म्स के, वो क्या करते हैं, चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी से हम क्या करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। तो ये क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके? तो क्या हुआ, इकोनॉमी एक सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह की है, उनका नेचर कैसा है, उनका लेवल कैसा है, जो सिस्टम रिवील कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इंडियन इकोनॉमी की। फॉर एग्जांपल जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसको क्या बोलते थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ओके? क्योंकि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर था वो एज ऑक्यूपेशन लोगों का ज़्यादा था, ओके? और इकोनॉमी एक चीज़ और बताती है, वो बताती है कि पीपल ऑफ दैट एरिया किससे अर्न कर रहे हैं,
कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया अपनी जो लिविंग है वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं. ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि इंडिपेंडेंट जब हम हुए थे, जब हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी. ठीक है, धीरे धीरे हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम आए. ठीक है, उसके बाद हम सर्विस सेक्टर में भी आए. तो अब हमारी इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, अगर आपने कभी न्यूज़ में सुना हो तो अब जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम बोलते हैं एमर्जिंग इकोनॉमी. ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, अब यहाँ पे एमर्जिंग इकोनॉमी. हमको कैसे पता चलता है कि उस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की हैं, उनका नेचर कैसा है और उनका लेवल कैसा है. ओके, तो ये होता है इकोनॉमी. क्या होता है इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री. ओके, जो रिवील करता है नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मैंने आपको बताया था क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट. ओके, और ये सिस्टम ये भी बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं उनका लिविंग या उनकी जो अर्निंग है वो किस एक्टिविटीज से आ रही हैं. ओके, तो ये था इकोनॉमी. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो है वो कितनी टाइप्स की होती है. ओके, और एक और चीज़, अगर आपको कोई चीज़, वैसे तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि आपको बहुत बेसिक से बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, लेकिन इन केस आपको नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. पहला है हमारा मार्केट इकोनॉमी. ओके, दूसरा है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो इसकी अगर हम एग्जांपल लेंगे तो दैट इज यूएसए. ओके, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो इकोनॉमी जहाँ पे देर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट जो है उनका कोई से नहीं है हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी में जो भी होती हैं उनमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं है. ओके, मतलब फ्री फ्लो. और इसका जो प्राइम मोटिव होता है इस तरह की इकोनॉमी का वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट. मतलब जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनका इकलौता मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं. फ्री इकोनॉमी क्यों, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता, मार्केट की डिमांड पे, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट में किसी भी गुड की कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है. गवर्नमेंट ना ही इकोनॉमी में ये बोल सकती है कि आप इस पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करो, ना ही ये बता सकती है कि पर्टिकुलर कंज्यूमर इस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करेगा. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता. जो इकोनॉमी होती है वो फ्री होती है, कि वो खुद डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस से. ओके, अब हम अगर दूसरी इकोनॉमी की बात करें, सेंट्रली प्लान्ड, जिसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास चाइना. ओके, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारे ऊपर या इकोनॉमी में कोई अथॉरिटी होती है, वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई मार्केट इकोनॉमी के बाद जो दूसरी तरह की इकोनॉमी होती है दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ओके, जिसकी हमारी सबसे अच्छी एग्जांपल है चाइना. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सॉरी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आपकी कोई अथॉरिटी होती है, ओके, जो डिसाइड करती है कि आपकी जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं,
ओके वो कैसे यूटिलाइज होंगे और उन्हें कौन यूटिलाइज करेगा. ओके मतलब इन शॉर्ट कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो अथॉरिटी होती है, अब ये अथॉरिटी आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई और अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए वो भी हो सकती है. ओके और इस पूरी इकोनॉमी जैसे हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट. और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है उसका मोटिव क्या होता है, दैट इज इकोनॉमिक वेलफेयर. मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हो ओके वो सब में इक्वली डिवाइडेड हो. ओके किसी को आधा कम या ज़्यादा नहीं मिले. जैसे मार्केट इकोनॉमी क्या होगा, जो प्रॉफिट करेगा उसी के पास रिसोर्सेज भी जाएंगे. लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह से स्कीम्स बनाती है, इस तरह से इकोनॉमी प्लान करती है कि जो रिसोर्सेज हो वो सब में इक्वली बटे और जो प्रॉफिट हो सब में बटे और क्या हो, इकोनॉमिक वेलफेयर. ओके अब जो तीसरी तरह की इकोनॉमी है उसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत. ओके और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इन दो इकोनॉमी की करेक्टर्स दिखते हैं. मतलब कि कुछ चीज़ें मार्केट पे डिपेंड करती होंगी, फ्री फ्लो ऑफ द मार्केट. ओके और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट रेगुलेट करती होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे. अगर आपको पता हो तो इंडियन रेलवे, हाँ कुछ चीज़ों में प्राइवेट प्लेयर जो है वो पार्ट प्ले करना शुरू कर चुके हैं या प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं वो अभी भी कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है. इंडियन इकोनॉमी ओके जैसे कोल सेक्टर है, कोल सेक्टर है वो भी इंडियन इकोनॉमी के अंडर है. ये सेक्टर्स जो होते हैं ये मेजर सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के और इनको हर कोई इक्वली यूज़ करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो. और गवर्नमेंट क्यों कुछ सेक्टर रेगुलेट करती है, फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो ग्रोथ हो वो सब में इक्वल हो, कोई ज़्यादा प्रॉफिट ना ले कोई कम प्रॉफिट ना ले, फिर वही बात कि रिसोर्सेज सब में इक्वली बढ़ते. हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमी एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया जो कि क्या रिवील करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और वहाँ के लोग कैसे अपनी जो अर्निंग है या लिविंग है वो कमाते हैं. ओके फिर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सब क्या होती हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कितनी टाइप की होती है, तीन तरह की. पहली मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी. हमारी जो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. जो मार्केट फोर्सेस हैं वो हमारी डिमांड एंड सप्लाई या प्राइस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं. और इसकी एग्जाम्पल क्या है, USA. और प्राइम मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट. ओके और दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसकी एग्जांपल हमने ली थी चाइना, उसमें क्या होता है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है. ठीक है और वो क्यों करती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं ठीक है वो क्या हो, सब में इक्वली बटे. और मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर. उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की हमने एग्जांपल ली थी इंडिया. ओके उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो इन दोनों इकोनॉमी के मिक्स्ड करेक्टर्स शो करती है. ठीक है इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें रेगुलेट मार्केट करती है और कुछ सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स वो कौन करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन रेलवे, कोल, ये कुछ सेक्टर हैं जो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. और इसका भी क्या मोटिव है, इकोनॉमिक वेलफेयर या इंक्लूसिव ग्रोथ. ओके तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू.